नमस्ते भारत। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के बीच में आज मैं बात करूंगी भारत के जो विद्यार्थी यूक्रेन और रूस के भीषण युद्ध में फंसे हुए हैं उनके जीवन के बारे में। ये भी आप लोगों को मैं आज बताने वाली हूं कि कुछ ऐसे लोग इस देश के अंदर बैठे हुए हैं जिनको मैं मीर जाफर बुलाती हूं। वो छद्मवेशी इस देश के बच्चों के जीवन के ऊपर, उनके भविष्य के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए उनके जीवन का कोई महत्व नहीं है, जिए या मरे, पर उनकी राजनीति चलती रहनी चाहिए। बच्चों के कंधे को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करने वाले नेताओं के चेहरों से मैं आज नकाब हटाने वाली हूँ और आप लोगों के बीच में बहुत ज्वलंत प्रश्न छोड़ने वाली हूँ। ऐसी ऐसी सच्चाई इन लोगों के बारे में आपको बताऊंगी जिनको सुन करके आप इनसे प्रश्न करने के लिए विवश हो जाएंगे और आपका मन इनके लिए असम्मान से भर जाएगा। निवेदन करूंगी कि वीडियो को अंत तक देखिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से जरूर मुझ तक पहुंचाइए। ये जो वीडियो है ये आपके लिए, मेरे लिए, इस देश के बच्चों के लिए और इस देश के युवाओं के भविष्य के लिए है। आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से इस वक्त केवल भारतवर्ष एक ऐसा राष्ट्र है और भारतवर्ष के प्रधानमंत्री एक इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने रूस के और यूक्रेन के दोनों के राष्ट्रपतियों से बात करके भारत के तमाम लोगों को बाहर निकालने की मुहिम चला रखी है। 24/7 हर वो कोशिश की जा रही है जिससे व्यक्ति फंसा हुआ बाहर निकल करके आ जाए, चाहे अपने चार मंत्री भेजने हो, चाहे विदेश मंत्रालय का 24/7 काम करना हो, चाहे ज़ेलेंस्की और पुतिन से बात करनी हो, चाहे किसी भी प्रकार से अपने लोगों के लिए कहीं पर भी कोई भी राहत कैंप आदि सेटअप करवाने हो राज्यों के से, अन्य राष्ट्रों से बात करके। आप सब लोगों से मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि झूठी खबरें जो फैलाई जा रही हैं कि होस्टेज कर लिया गया है यूक्रेनियंस के द्वारा हिंदुस्तानियों को, ह्यूमन शील्ड बनाया जा रहा है भारतीयों को, क्या कर रहे हैं मोदी जी, ये सब झूठ है। ये घटिया बातें हैं, देश को और देश के बच्चों को बर्बाद, बदनाम करने के लिए और उनके जीवन का अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करने के लिए ऐसी घटिया सोच को कुछ लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता प्रवक्ता जा रहे हैं चैनल्स पर और बोल रहे हैं कि पहले क्यों नहीं निकाला, एडवाइजरी बड़ी देर में जारी करी थी, ये कैसे हो गया, बच्चे बाहर नहीं आ रहे हैं और यूएस ने अपने बच्चे निकाल दिए हैं। मैं बोलूंगी नेताजी कितना झूठ बोलते हो आप, कब तक झूठ बोलोगे? यूएस, जापान, चीन, कोई भी अपने बच्चों को वहां से बाहर नहीं निकाल रहा है, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए नहीं गया है, किसी का जहाज नहीं जा रहा है। हिंदुस्तान एकमात्र राष्ट्र है जिसके लिए एयर स्पेस और सील्ड बॉर्डर इस रणभूमि के खोले जा रहे हैं और चीन आदि के जो बच्चे हैं ना वो भी हमारे से मदद मांग रहे हैं, पाकिस्तानी भी भारत का झंडा आगे लगा करके निकल रहे हैं। ये सम्मान है, ये विदेश नीति रही है देश के प्रधानमंत्री जी की कि जब यूक्रेन पूरी तरीके से तबाह हो गया है, रूस का सब कुछ स्टेक पर है, युद्ध का नवा दिन चल रहा है, त्राही मम हो रखा है, तृतीय विश्व युद्ध की लोग बात कर रहे हैं, तब भी मोदी जी की बात उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पर सुन करके दोनों राष्ट्र हमारे झंडे का सम्मान करते हुए, हमारी विदेश नीति को सर्वोपरि मानते हुए हमारे स्टूडेंट्स को निकलने दे रहे हैं और यहां पर बैठ करके राहुल गांधी और उनकी ब्रिगेड राजनीति कर रही है और ये राजनीति कर रहे हैं जिनका इतिहास इतना काला है, जिन्होंने अपने समय पर भारत का जब नरसंहार हो रहा था भारतीयों का विदेशों में तब ये चुप थे। एक छोटी सी आपको घटना आज मैं, छोटी नहीं, एक बहुत महत्वपूर्ण बहुत बड़ी घटना आज आप लोगों को बताऊंगी मैं, 1972 की है। 1972 में युगांडा के अंदर 80,000 एशियंस को बुरी तरीके से बर्बरता के साथ मार कुटाई करके बाहर निकाल दिया गया था और उन 80,000 में सबसे ज्यादा जो संख्या थी अबाउट 70,000 के करीब वो इन भारतीयों की थी और खासतौर पर गुजरातियों की थी जो युगांडा में चले गए थे और युगांडा में वो तब गए थे जब ब्रिटिश राज यहां पर चल रहा था, तब वो भारत छोड़कर के युगांडा गए और वहां पर उन्होंने अपने कारोबार स्थापित किए और वो वहां पर मल्टी मिलियनर बन गए। युगांडा की पूरी इकोनॉमी को वो लोग ही एक प्रकार से चलाते थे। और उसके बाद मैं आपको ये बता देना चाहती हूं कि 4 अगस्त 1972 को ईदी अमीन जो उनके उनके सरगना थे उसने ये तय किया कि इन सबको बाहर निकाला जाए, इनका सब कुछ लूट लिया जाए, मारा गया, कुटा गया, प्रताड़ित किया गया। ये हालत कर दी गई कि भारतीय जो थे ओवरनाइट भागे अपना सब कुछ छोड़ के
बड़े बड़े घर, बड़े बड़े उद्योग, पैसा, कपड़ा सब छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए गए, भागे, जाने भी गई लोगों की, ब्रिटेन गए, बाकी देशों में गए, शरण ली। और उस वक्त भारतवर्ष की प्रधानमंत्री कौन थी? परम आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, 1966 टू 1977 प्राइम मिनिस्टर थी। उनके कार्यकाल में 1972 में यह हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई उनका मिनिस्टर नहीं गया था युगांडा, उन्होंने कोई ईदी अमीन से बात नहीं करी थी कि क्यों मार रहे हो हिंदुस्तानियों को भैया, कोई युद्ध थोड़ी ना चल रहा था, विश्व युद्ध थोड़ी था, युगांडा पे किसी ने हमला थोड़ी ना किया था। जा सकती थी प्रधानमंत्री महोदया भी, जा सकती थी उनके मंत्री भी, जा सकते थे सब, विदेश मंत्री जा सकते थे, कोई भी जा सकता था, पूछा जा सकता था कि खबरदार हमारे हिंदुस्तानियों पर हाथ लगाए, वो तुम्हारे देश की इकोनॉमी चला रहे, उनको क्यों मार रहे हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जब वो चले गए उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, वो बेचारे विदेश विदेश भटकते रहे। क्या किया भारतवर्ष ने, क्या किया उस समय की प्रधानमंत्री जी ने? केवल अपने राजनीतिक संबंध युगांडा के साथ तोड़ दिए। ये सच्चाई है राहुल गांधी जी, सुनिए आप, कांग्रेस की सच्चाई है ये। आप लोगों के जो हाथ है ना इस देश के खून, लोगों के खून से सने हुए हैं, और आप लोगों को क्या लगता है कि सच्चाई किसी को पता नहीं और सच्चाई बताई नहीं जाएगी? आप लोगों ने उस वक्त कुछ नहीं किया। 1986 में जब ईदी अमीन हटे उसके बाद वापस जाना शुरू किया भारतीयों ने, लेकिन इस देश की उस समय की सरकार ने कुछ नहीं किया। आज जब युद्ध चल रहा है, रणभूमि है, उस वक्त हमारा हर एक व्यक्ति वापस आ रहा है, और क्या कर रहे हैं आप लोग? राजनीति कर रहे हैं, गंदे गंदे वीडियोस जबरदस्ती इमोशनल ब्लैकमेल करके बना बना करके उनको फैला रहे हैं, प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। यह राजधर्म होता है, यह विपक्ष का धर्म होता है, यह देश प्रेम होता है, यह जनता प्रेम होता है। बहुत ही दुख और शर्म की बात है। एक न्यूज पेपर का एक मैंने एक खबर पढ़ी जिसमें एक आयुषी का जो ऋषिकेश की है मेरे उत्तराखंड की, उनका आर्टिकल छपा गया है, उनका उनका पूरे का पूरा इंटरव्यू छापा गया है, और उसमें बोला जा रहा है कि हमें मुंबई में मुझे छोड़ दिया गया, और मुंबई के बाद मुझे ऋषिकेश तक नहीं लाया गया, मुझे 6,000 रुपए देकर के आना पड़ा। ये कौन सी बात है? पहली बात, ये किस तरीके का इंटरव्यू है? ये छपना चाहिए क्या? इस तरीके की बातें किसी स्टूडेंट से बुलवानी चाहिए क्या? और अगर उस बच्ची ने अपने मन से बोला है तो उस बच्ची से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बेटा आप ये बताइए कि रणभूमि से, मौत के मुंह से निकाल करके आपको इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश की सरकार ले आई, मुंबई आपका देश है, वहां से आप अपने अपने देश के अंदर से अपने घर जा सकते हैं, मुंबई के अंदर क्या बॉम्बारमेंट हो रहा है, शेलिंग हो रही है, मुंबई का नाम क्या यूक्रेन हो गया है, मुंबई में आपको जान का खतरा है? नहीं है तो प्लीज इन लोगों के हाथों का मोहरा मत बनिए, राणा आयूब जैसी पत्रकारिता करने वालों के हाथ का मोहरा मत बनिए, इन छद्मवेशी राजनीतिज्ञों के हाथ का मोहरा मत बनो। विद्यार्थियों में हाथ जोड़ती हूं, मुझे मालूम है ये आप लोगों की शब्दावली नहीं है, बट डोंट गेट यूज्ड, दे आर यूजिंग यू ऑल फॉर देयर डर्टी पॉलिटिक्स। लोग कह रहे हैं क्या राहुल गांधी यूक्रेन के इस मुद्दे को भुना करके अपनी राजनीति को पुनर्जीवित कर पाएंगे? सीरियसली ये सोचने वाली बातें हैं। हर विद्यार्थी की हमको चिंता है, वो हमारा भविष्य है, हमारे विद्यार्थी हैं, हर एक को वापस लाना जिम्मेदारी है सरकार की, और वो ला भी रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब बच्चों के साथ जो यूक्रेन से लौटे उनके साथ इतना खूबसूरत बढ़िया संवाद किया, उनसे बोला कि मैं आप लोगों का गुस्सा समझ रहा हूं, मुझे अगर लोग नाराजगी से कुछ भी बोल रहे हैं मैं समझ रहा हूं। ये होती है लीडरशिप, ये होता है देश प्रेम, ये होती है लोगों की चिंता, ये होता है उन लोगों को जो दुख में रहे हैं उनका दुख समझ करके उनको अपने परिवार की तरह, अपने बच्चों की तरह ऐसे प्यार से अपने हृदय से लगा देना। और उसके बाद बोला कि मैं हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलना चाहता हूं ताकि किसी भी बच्चे को बाहर ना जाना पड़े। एक तरफ ऐसी पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव सोच एक ऐसे प्रधानमंत्री, और दूसरी तरफ ये छद्मवेश, ये मीर जाफर। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन ये सब चीज़ें आप लोगों के बीच में बोलनी बहुत ज़रूरी है। निवेदन मैं आप लोगों से यही करूंगी कि घटिया राजनीति बंद करके हमें इकट्ठे होकर के इस वक्त देश देश की सरकार, उन बच्चों के साथ, उन बच्चों के परिवारों के साथ खड़े होना है, उनका सपोर्ट सिस्टम बनना है, हिम्मत सबको दिलानी है, पॉजिटिविटी फैलानी है, पॉजिटिव चीज़ें बोलनी है, और घटिया राजनीति करने वालों को बोलना है कि बस, ये देश आपकी बपौती नहीं है,
जो कर दिया वो कर दिया। और युगांडा पर जवाब, मुझे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से चाहिए और झूठे कांग्रेसियों से जरूर चाहिए। आप लोगों को इस देश के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है, और झूठ तो कृपया बिल्कुल ना फैलाएं, और ये ना सोचें कि इतिहास की जानकारी किसी को नहीं। इस वीडियो के लिए इतना ही, जल्द आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।